मेरा बच्चा अभी घर में था, एक सेकंड हो, एक आधे एक घंटा हो रहा, असलम भाई आके बुला लेके गए और वहीद लाला थे उनके संगात। ये पूरे गफ्फार सेठ के काम है, उन्होंने ले लेके गए, कहीं नहीं निकल रहे थे, उन्होंने घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, एक सेकंड में ले लेके चले गए उनको। हम लोग को नहीं मालूम क्या हुआ, क्या उम्र थे हमारे की, उनके 18 साल थी। किसी से दुश्मनी थी क्या? हाँ, गफ्फार सेठ से थी। किस बारे में थी? उनको उन्होंने लड़े थे गए साल रमजान में, उनसे लड़ लिए थे, उन्होंने मारे थे, तो उन्होंने बोल रहे थे मार तू इसको, मारा खिलाता हूँ बोल के, पैसा खिला के करके बोल के बोल रहे थे। और वहीद लाला और ये असलम भा है, मेन वहीद लाला भी है लेकिन दिक्कत नहीं आते, उन्होंने भोते करते, उन्होंने अच्छे रहे जैसा करते, उन्होंने वहीद लाला ही छे मेन, वहीद लाला को पकड़ो, वहीद लाला करते, वहीद लाला है मेन है, सो वहीद लाला को पकड़ना और वहीद लाला को ये करना, वहीद लाला ही छे ऐसा है उनके संगात दुश्मन। वो उन्होंने क्या नाम है, वाहिद अली के संगात गए थे, उन्होंने जब बहुत छोटे थे 16-17 साल के थे, ले लेके जाके वाहिद अली उनको ऐसा केस में बुक करा लिए थे, उन्होंने उतने होशियार नहीं थे जब छोटे थे, कम उम्र के थे। अभी रिसेंटली तो कुछ भी नहीं हुआ ना अम्मा? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, अब भी खाना खा के बैठे, एक घंटा पहले बुला लेके गए, ला मैं बोल रही कहाँ जा रहे बेटा, तो अब भी आ रहा हूँ मम्मी बोल के निकले, तो उनके पीछे जरी देर के बाद में मैं नहीं आए बोल के बाहर निकली, तो बच्चे भाग रहे थे, मैं बोली क्या हुआ, बोले ऐसा एजाज का मटन हुआ, कहते बोले मैं भी उन लोगों के पीछे भागी, तो मालूम हुआ मेरे को एजाज कुछ भी नहीं, वहीद लाला उनको जो भी उनको मारे उनको सख्त से सख्त सजा देना और उन लोगों को पकड़ना, बरोबर पकड़ना है उन लोगों को, बरोबर सजा देना। क्या नाम था उनका, पूरा नाम क्या था? मोहम्मद एजाज। क्या काम करते थे? उन्होंने वेल्डिंग का काम करते थे।